स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पर है हाउ मच पेट्रोल। ईसा हैज 1000 रुपीज विद हर। ईसा के पास 1000 रुपीज है। सी वॉन्ट टू बाई पेट्रोल, वो पेट्रोल खरीदना चाहती थी। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट 67 रुपीज। 1 लीटर पेट्रोल का है 67 रुपीज। तो हाउ मैनी लीटर्स कैन सी बाई, तो वो कितने लीटर पेट्रोल खरीद सकती है 1000 रुपीज में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ईसा भी मनी विथ ईसा, मनी के ईसा के साथ कितनी मनी है, कितने रुपीज़ है 1000। अब 1 लीटर पेट्रोल का भाव कितना है 67 रुपीज़, तो वो कितना पेट्रोल खरीद सकेगी। तो क्या करना है, 1000 डिवाइडेड 67 करना है। तो 1000 डिवाइडेड 67 करेंगे तो क्या करना है, 67 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, 670। ओके, अब 1000 में से 670 माइनस कर देंगे तो कितना बचता है, 330। मीन्स 67 फोर ज़ार 268। तो 67 फोर ज़ार 268 होते हैं, वो माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे, 62। अब 67 में से आगे हम 67 वन ज़ार 67 भी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तो 67 से भी कम है, इसलिए उसको यहाँ पर जो बाकी बचा उसको क्या बोल सकते हैं, रिमाइंडर। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या है, 10 प्लस 4 14। मींस ईसा 14 लीटर पेट्रोल खरीद सकती है और उसके पास 62 रुपीस बचेंगे। ओके, तो आंसर में लिखना है, ईसा कैन बाय 14 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो ईसा कैन बाय 14 लीटर्स ऑफ पेट्रोल एंड 62 रुपीस लेफ्ट विद हर। ओके, इफ ईसा कम्स टू योर सिटी, अगर ईसा आपके सिटी में आए तो हाउ मच पेट्रोल कैन सी बाय विद द सेम मनी। अगर वो आपके सिटी में आए तो आपके सिटी में कितना रेट है पेट्रोल का, तो वो 1000 में कितना पेट्रोल खरीदेगी, वो आपको फाइंड करना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस आर हैप्पी टुडे, चिल्ड्रंस आज खुश थे। दे आर सेलिब्रेटिंग चिल्ड्रंस डे, वो चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट कर रहे थे। ईच चाइल्ड विल बी गिवन 4 कलर पेंसिल फ्रॉम स्कूल, हर एक चाइल्ड को 4 कलर पेंसिल दी जाती है। द स्कूल हैज़ गॉट 969 पेंसिल, स्कूल 969 पेंसिल देने वाले हैं। टू फाइंड आउट हाउ मैनी चिल्ड्रंस कैन गेट पेंसिल द टीचर्स आस्क देम टू डिवाइड, तो टीचर बोलते हैं चिल्ड्रंस को, तो आप डिवाइड करके पता करो कि 969 है टोटल पेंसिल, उसमें से हर एक चिल्ड्रंस को 4 पेंसिल देंगे तो कितने चिल्ड्रंस को पेंसिल मिलेगी, वो आप फाइंड करो। तो इरू है और श्रीनी है, वो दोनों स्टार्ट कर देते हैं फाइंड आउट करना। तो देखो इरू ने क्या किया है, आधा ही लिखा है, इरू ने लिखा है 969 डिवाइडेड 4 किया है। तो फर्स्ट क्या किया है, 4 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 400, तो कितने बचे, यहाँ से उसने इनकम्प्लीट किया है। तो कम्प्लीट इरू एंड श्रीनीस वे ऑफ डिविज़न, वॉट इज द आंसर यू गेट, ये आपको कम्प्लीट करना है और फाइंड करना है कितना आंसर मिलता है वो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो 969 माइनस 400 करेंगे तो कितना बचेगा, 569। तो अब क्या करेंगे, हम फिर से 100 करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 400, तीन दोनों का माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 169। अब हमें पता है 169 है, तो 4 फोर ज़ा 16, तो 4 मल्टीप्लाई 14 करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 160 होगा। तो 169 माइनस 160, तो आंसर में क्या बचेगा, 9। अब 9 है तो हमें पता है 4 टू ज़ा 8, तो लिख देंगे 4 टू ज़ा 8, तो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर 1 है, वो तो 4 से स्मॉल है, इसलिए हम आगे कुछ भी कर सकते नहीं है, ये क्या हुआ, रिमाइंडर। ओके, श्रीनी ने क्या किया है, 4 मल्टीप्लाई 200, तो कितना हुआ, 800। तो यहाँ पर 800 माइनस कर देना है तो कितने बचेंगे, 169। अब हमें पता है 4 मल्टीप्लाई 40, तो 4 मल्टीप्लाई 40 करेंगे तो क्या होगा, 160। तो 169 माइनस 160, तो आंसर मिलेगा 9। अब 9 है तो हमें पता है, देखो 4 टू ज़ा 8 लिख देंगे तो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, यहाँ पर भी रिमाइंडर 1 बचता है। तो आंसर हमारा क्या हुआ, 100 प्लस 100 इज इक्वल 200 200 प्लस 40 240 प्लस 2 करेंगे तो 242 होगा, यहाँ पर भी वही आंसर होगा 242। मीन्स
242 चिल्ड्रंस को 4-4 पेंसिल मिलेगी और एक पेंसिल बच जाएगी स्कूल वालों के पास। ओके नेक्स्ट है शिवांगी डीड इट बाय शॉर्टकट वे। शिवांगी यानी मेथड वो शॉर्टकट वे से करना चाहती थी। वे बोलती है आई लर्न इट आफ्टर अ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। मैंने ये वाली मेथड बहुत प्रैक्टिस करने के बाद सीखी है। इन दिस यू हैव टू रिमेंबर मैनी थिंग्स। इस वाली मेथड में आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती है। ईरू बोलती है हाउ डिड यू स्टार्ट विथ 9। या तुम 9 से स्टार्ट करोगी? तो ये शिवांगी ने क्या किया है, पहले 9 से स्टार्ट किया है, 969 डिवाइडेड 4 किया है। बट उसने क्या किया है, फर्स्ट 9 से ही स्टार्ट किया है। जब 4 2 8 तो 9 माइनस 8 करेंगे तो कितना बचा, 1। तो ये शिवांगी बोलती है आई नो दैट आई हैव टू डिवाइड 699 विथ 4 बट आई फर्स्ट ओनली डू गेट 9। आई पुट एन एरो टू रिमाइंड टू ब्रिंग डाउन 6। मुझे पता है कि मुझे 969 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है बट मैं पहले 9 के साथ डिवाइड करूँगी। तो 4 2 8 तो 9 माइनस 8 कितना हुआ, 1। अब उसने क्या किया, 6 को अगला नंबर 6 है तो 6 को नीचे ला दिया। अब 4 4 16 तो 16 माइनस 16 क्या हुआ, 0। अब नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 9, तो 9 को नीचे लाना पड़ेगा। अब 0 9 है तो हमें पता है 4 2 8 तो 9 माइनस 8 कितना हुआ, 1। अब 1 है वो कैसा है, 4 से स्मॉल है इसलिए हम आगे कुछ भी कर सकते नहीं है। ओके तो ये क्या बचा, रिमाइंडर। तो यहाँ पर बोला आई रिमेंबर टू ब्रिंग डाउन 9 एंड डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर जो 9 है उसको नीचे लाया और 4 के साथ से डिवाइड किया। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 2 8 मीन्स 1 बचेगा। बट देन यू आर लेफ्ट विथ 1। तो हमें उसको कितना बचता है, 1 नंबर बचता है। तो ये शिवांगी बोलती है यस दिस इज द रिमाइंडर। उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। 1 पेंसिल इज लेफ्ट, 1 पेंसिल बचेगी। ओ आई कैन रिमेंबर सो मैनी थिंग्स आई विल डू इन माई वे। उसमें तो बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। ईरू बोलती है इसमें तो बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, ये तो बहुत हार्ड है, इसलिए मैं तो अपना ही वे में डिवीज़न करूँगी। ऐसा ईरू बोलती है। बट आपको जो वे ईजी लगे उसमें आपको डिवीज़न करना है। अगर ये वे ईजी लगे तो इस तरीके से आप डिवीज़न कर सकते हो। अगर ये शिवांगी वाला वे है वो आपको ईजी लगे तो उसी तरीके से भी आप डिवीज़न कर सकते हो। ओके नेक्स्ट है प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस टाइम में है क्वेश्चन 1 576 बुक्स आर टू पैकेट इन बॉक्सेस। 500 लिखा है 576 बुक्स को बॉक्स में पैक करना है। इफ वन बॉक्स है 24 बुक्स, हम वन बॉक्स में 24 बुक्स पैक कर सकते हैं। हाउ मैनी बॉक्सेस आर नीडेड, तो हमें कितने बॉक्सेस की ज़रूरत है, तो हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, 576। अब नंबर ऑफ बुक्स पर बॉक्स, एक बॉक्स में कितनी बुक्स रख सकते हैं, 24। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस नीडेड, तो हमें कितने बॉक्सेस की ज़रूरत है, तो 576 डिवाइडेड 24 करना है, उतने बॉक्सेस की हमें ज़रूरत है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 576 डिवाइडेड 24। तो देखो 24 2 48 होता है, तो पहले हम नंबर क्या देखते हैं, 57 ही देखते हैं। यहाँ पर 2 डिजिट है तो यहाँ पर भी पहले 2 डिजिट देखने हैं, तो यहाँ पर हुए 57। 24 2 48 तो 57 माइनस 48 करेंगे तो क्या बचेंगे, 9। अब अगला नंबर है 6, उसको नीचे लाना पड़ेगा। हमें पता है 24 4 96 तो 96 माइनस 96 क्या होता है, 0। मीन्स ये 0 है वो रिमाइंडर है, ऊपर आंसर क्या है, ये 29 जो है वो हमारा आंसर है। मीन्स 576 डिवाइडेड 24 इज इक्वल टू 24। सो हमें कितने बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस नीडेड 24 बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन 2 है 836 पीपल आर वॉचिंग अ मूवी इन अ हॉल। 836 पीपल मूवी देख रहे हैं हॉल में। इफ द हॉल हैज 44 रोज, हॉल में 44 रो है,
तो हाउ मेनी पीपल कैन सीट इन वन रो, तो वन रो में कितने पीपल बैठेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, टोटल पीपल है 836, उसमें से हर 44 रो है, तो हर रो में कितने बैठे होंगे, तो 836 डिवाइडेड 44 करना पड़ेगा। हम 836 डिवाइडेड 44 करेंगे, यहाँ पर दो डिजिट है तो यहाँ पर भी फर्स्ट दो डिजिट हम देखेंगे, 44 वन ज़ा 44, तो कितने बचेंगे, 83 माइनस 44 तो बचेंगे 39। अब नेक्स्ट नंबर 6 है उसको नीचे लाना पड़ेगा, तो 44 9 ज़ा 396 होते हैं, तो यहाँ पर 396 माइनस 396 तो क्या होगा, 0। तो आंसर में क्या मिला, 19। तो 19 पीपल सिटिंग इन वन रो। ओके नेक्स्ट है, अ गार्डनर बॉट 458 एप्पल ट्रीज, ही वॉन्ट टू प्लांट 15 ट्रीज इन ईच रो, तो हाउ मेनी रोज कैन ही प्लांट्स। गार्डनर है उसने 458 ट्रीज के एप्पल ट्रीज के प्लांट्स खरीदे, वो हर रो में 14 प्लांट्स लगाना चाहता है, तो हाउ मैनी रो कैन ही प्लांट्स, तो उसको कितनी रो बनानी पड़ेगी, तो टोटल कितने प्लांट्स है 458, उसमें से हर रो में कितने लगाए जाएंगे 15, तो ऐसी कितनी रो बनेगी, तो 458 डिवाइडेड 15 करना पड़ेगा। तो 458 डिवाइडेड 15 करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 458 डिवाइडेड 15। ओके तो यहाँ पर 15 है मीन्स टू डिजिट, तो यहाँ पर भी फर्स्ट टू डिजिट देखना पड़ेगा, तो 15 3 ज़ा 45। ओके तो 45 माइनस 45 क्या होगा, 0। अब 8 को क्या करना है, नीचे लाना है, तो यहाँ पर भी 0 लिखना पड़ेगा। ओके अब 8 तो क्या है, 15 से स्मॉल है, इसलिए हम 15 वन ज़ा 15 भी नहीं लिख सकते। ओके तो ये 8 क्या हुआ, रिमाइंडर हुआ। सो वी गेट 30 एज कॉन्टिनेंट एंड 8 एज रिमाइंडर, इसलिए 30 क्या हुआ कॉन्टिनेंट हुआ एंड 8 क्या हुआ रिमाइंडर हुआ। ओके हिंस ही कैन प्लांट 30 रो एंड 8 ट्रीज आर लेफ्ट ओवर, इसलिए वो 15 15 की 13 रो बना सकते हैं और 8 ट्रीज प्लांट्स वहाँ पर बच जाएंगे। ओके नेक्स्ट है ब्रेन टेस्टर, सैमली बॉट अ बैटरी, सैमली ने बैटरी खरीदी, सी रीड ऑन इट लाइफ 2000 आवर, उसने वहाँ बैटरी पर लिखा था, वो रीड किया कि बैटरी कितने चलेगी, 2000 आवर्स, सी यूज इट थ्रोट आउट द डे एंड द नाइट, तो हाउ मैनी डेज विल द बैटरी रन, अगर वो पूरा दिन और रात चलाएगी बैटरी तो बैटरी कितने दिन चलेगी, तो लाइफ ऑफ बैटरी कितनी है, 2000 आवर्स है, 2000 घंटे हैं, अपन वन डे में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, तो द नंबर ऑफ डेज द बैटरी विल रन, तो कितने दिन चलेगी बैटरी, तो 2000 डिवाइडेड 24 करना है, तो 2000 डिवाइडेड 24 करेंगे तो देखो 24 इज़ 192। पहले हम क्या करना है, पहले हम दो डिजिट देखेंगे, तो कैसा है 20 है, 24 से स्मॉल है, इसलिए हम पहले 1 2 एंड 3 डिजिट देखेंगे, तो क्या हुआ 200, जब 24 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो क्या होता है 192, तो 200 माइनस 192 इज़ इक्वल टू 8। अब बाकी बचा जो 0 है वो नीचे आएगा, तो क्या हुआ 80, तो 24 3 ज़ा 72 होता है, तो 80 माइनस 72 इज़ इक्वल टू 8, 80 माइनस 72 करेंगे तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। ओके सो वी गेट 83 एज कॉन्टिनेंट एंड 8 एज रिमाइंडर, सो 83 है वो क्या है कॉन्टिनेंट है एंड 8 है वो रिमाइंडर है, हिंस द बैटरी विल रन फॉर 83 डेज, तो बैटरी 83 डेज तक चलेगी। ओके